प्रभात पट्टन में टंटिया भील के नाम से चौक का नामकरण किया गया। भील समाज के आदिवासी समाज के क्रांतिकारी टंटिया भील को अपना रॉबिनहुड भी मानते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर भील समाज को गौरव अंकित किया। समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर अपने रॉबिनहुड टंटिया भील के नाम से चौक का नामकरण किया गया। के साथ साथ मैं एक समाज सेवक के रूप में भी काम करता हूँ और मेरा एक फाउंडेशन है, सवेरा फाउंडेशन, जिसके माध्यम से मैं पिछड़े हुए दलित गरीब उपेक्षित लोगों के लिए मेरा फाउंडेशन काम करता है। और जो भी मेरे सवेरा फाउंडेशन की जो भी गतिविधि होती है वो देश हित में होती है। इसी कड़ी में आज का 3 जनवरी 2021 का जो आज कार्यक्रम ग्राम प्रभात पट्टन में आयोजित किया गया है, ये जननायक गरीबों के मसीहा के रूप में हमारे देश में जाने जाने वाले टंटिया भील, जिनका मानव के लिए, मानव जाति के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं हम इतना जानना चाह रहे आपसे, ये जो प्रभात पट्टन में चौक का जो नाम टंटिया भील के नाम से अपने नामकरण किया गया है, तो इस बारे में जानना चाह रहे थे, इस चौक का नाम टंटिया भील के नाम से क्यों रखा गया? जी जी, बहुत सही सवाल आपने किया है। इस चौक का नामकरण इसलिए किया गया चूँकि हमारे यहाँ ग्राम प्रभात पट्टन में नायक निहाल, ये जो समाज है ये भील समाज की उपजाति है। और चूँकि यहाँ ये समाज करीब 300-400 सालों से यहाँ पर इनके पूर्वज आके बसे और ये इनका इतिहास भीमा नायक, टंटिया नायक, खांजा नायक, इनकी ये इनके पूर्वजों की श्रृंखला है। और चूँकि इनका इतिहास, इनका योगदान बहुत बड़ा है और जो टंटिया भील है, इनका योगदान है, इन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में करीब 300 से 400 के बीच में श्रीमंत लोगों के घर में डकैतियाँ डालकर उनके घर लूटपाट कर गरीबों में ये लोग दान कर देते थे, कभी अपने पास रखते नहीं थे। इसी तरीके से इनको बहुत बड़ा, इनको गरीबों का मसीहा, जननायक कहा जाता है। चूँकि यहाँ के नायक समाज का संबंध टंटिया भील के इनके वंशज के रूप में ही हमें इतिहास में मिलता है। इसी बात को नजर रखते हुए, चूँकि यहाँ पर शिक्षा के अभाव के कारण अभी तक हमारे ग्राम प्रभात पट्टन के नायक समाज के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, इल्म नहीं था, इस वजह से हमने आज का ग्राम प्रभात पट्टन में ग्राम सभा प्रभात पट्टन के द्वारा, चूँकि इसका हमें प्रस्ताव पास होकर मिल चुका था, लेकिन थोड़ा कोरोना की गाइडलाइन की वजह से हम कोई प्रोग्राम को अंजाम नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी विलंब हो चुका, लेकिन हमने इस चीज़ को आज सभी के सहयोग से हमने आज अंजाम दिया और ग्राम प्रभात पट्टन में टंटिया भील के नाम से इसका चौक नाम का आज हमने अनावरण किया सभी निहाल समाज के सगा पार्टियों के बीच। और इसी कड़ी में पूरे ग्रामवासियों की तरफ से हमें इसमें भरपूर सहयोग मिला और मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र से भी आदिवासी समाज की तरफ से प्रतिनिधि करने के लिए प्रतिमंडल के तौर पर ग्राम रावाला से महामानव क्रांति से बिरसा मुंडा समिति के सभी पदाधिकारी आए और यहाँ पर इस टंटिया भील चौक का अभी यहाँ पर अनावरण ग्राम की पूर्व सरपंच, जो कि निहाल समाज के उप सरपंच श्रीमती तिरुमाय अनुसया नायक, और इसी कड़ी में नायक समाज से एक पूर्व उप सरपंच यहाँ पर सूर्यभान जी नायक रह चुके हैं, जिनके द्वारा आज इस चौक के नामकरण का अनावरण किया गया। और इस टंटिया भील के नाम पर इस चौक का नामकरण रखने के पीछे कारण यह है कि भाई हम सभी लोग, सभी देशवासी, खासकर उनका जो सगा समाज है, निहाल समाज है, अपने पुरखों के इतिहास को, उनके बलिदान को, उनके योगदान को जाने समझे, उसे प्रेरणा ले और आगे चल के अपना भी योगदान, अपना टंटिया भील की जैसा ही योगदान आगे बढ़ाए। और शिक्षा का जो अभाव है तो शिक्षित बनकर अपने पुरखों के इतिहास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निहाल समाज की भी है और सभी देशवासियों की भी है। इसी के मद्देनज़र हमने आज इस टंटिया भील चौक के नामकरण को अंजाम दिया। आगे क्या योजना है इस चौक के, और चौक अभी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इस चौक से आगे क्या मतलब, इस चौक का उद्धार? अभी तो फिलहाल इस चौक का नाम टंटिया भील रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो है निहाल समुदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। अब आज 3 जनवरी 2021
आज से अब हर साल यहाँ पे प्रतिवर्ष प्रोग्राम किए जाएंगे। नहीं आगे मूर्ति उर्ति का अनावरण होगा क्या? हाँ आगे अभी यहाँ पे टंटिया भील और भीमा नायक जी। हाँ, इसको आपको शासन भी कोई मदद कर रहे? नहीं अभी तो ये आपके समाज की तरफ से ही मतलब कार्यक्रम जी। हाँ, ये समाज के तरफ से ही। इसके पहले भी चौक का पहले नाम था कि खाली पड़ा था? एक चौक का नाम पहले चौक का नाम नहीं था, खाली पड़ा था ये। तो आपके दिमाग में कैसा है कि चौक का नाम तंत्या भी रखना चाहिए? हमारे डॉक्टर साहब भारती सर, इन्होंने हमें सपोर्ट किया, इन्होंने हमें बताया कि अपने को अभी ऐसा प्रोग्राम करना है और इस चौक का नाम टंटिया भील रखना है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए बहुत बलिदान दिया है, ये दिया है, इस कारण इस चौक का नाम टंटिया भील रखा जाए। धन्यवाद।